आज हम जानेंगे प्रकृतिवाद के अनुसार विद्यालय की आवश्यकता। रूसो ने यह स्वीकार किया है कि बालक के विकास के लिए किसी विद्यालय की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे प्रकृति की गोद में स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए, जिससे वह अपनी रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं का विकास स्वतंत्र रूप से कर सके। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक, व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक भी किया होगा और इसके साथ साथ वीडियो को शेयर भी किया होगा। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन्होंने चैनल को भी सब्सक्राइब किया होगा तथा बेल आइकन को भी प्रेस किया होगा। तो दोस्तों, इसी आशा के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।